नागपुर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के नवनियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी पृथ्वीराज बीपी ने बुधवार को अपना कार्यभार संभाला। नागपुर नगर निगम आयुक्त एवं प्रशासक डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने पृथ्वीराज बीपी का फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया और उन्हें स्मार्ट सिटी के CEO का पदभार सौंपा गया। इस अवसर पर नागपुर स्मार्ट सिटी के निदेशक CA आशीष मुकीम ने फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। नागपुर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार संभालने के बाद पृथ्वीराज बीपी उन्होंने कहा कि नागपुर शहर को स्मार्ट, टिकाऊ और शहरीकरण के मामले में बेहतर शहर बनाना CEO के तौर पर प्राथमिकता रहेगी। इसके लिए नागपुर नगर निगम और अन्य स्थानीय संगठनों के साथ समन्वय करके चल रही परियोजनाओं को तेज गति से पूरा करना प्राथमिकता होगी। उन्होंने ये भी कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत शहर में चल रहे प्रमुख प्रोजेक्टों की समीक्षा कर इन सभी प्रोजेक्टों को समय पर पूरा किया जाए और इस संबंध में आगे की योजना बनाई जाएगी। पृथ्वीराज बीपी वो 2014 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी है। वे मूल रूप से राजस्थान के अलवर जिले के रहने वाले है। IIT मुंबई से इंजीनियरिंग में स्नातक और IIM अहमदाबाद से MBA करने के बाद पृथ्वीराज बीपी उन्होंने 3 साल तक एक IIT कंपनी में काम किया। बाद में 2014 में उनका चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा में हो गया। पृथ्वीराज बीपी वो लातूर में कलेक्टर के पद पर कार्यरत थे। उस समय स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनके काम को देखते हुए उन्हें प्रधानमंत्री उत्कृष्ट नागरिक प्रशासन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इससे पहले उन्होंने सोलापुर में परिवीक्षा अवधि में सेवा की और उसके बाद भंडारा में आदिवासी विकास परियोजना में परभनी में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में काम किया। नमस्कार, मी पृथ्वीराज। आज मी CEO स्मार्ट सिटी नागपूर या पदावर जॉईन झालेला आहे। याच्या अगोदर मी जिल्हाधिकारी लातूर म्हणून कार्यरत होतो। CEO स्मार्ट सिटी चे जे प्राथमिकता आहे, प्रायोरिटीज आहे, ज्याच्यामुळे नागपूर एक स्मार्ट, सस्टेनेबल आणि एक चांगल्या पद्धतीचा अर्बनाइज्ड शहर हे झालं पाहिजे, त्याच्यासाठी जे पण आवश्यक आहे ते आम्ही नागपूर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनशी कोऑर्डिनेशन करून आणि सगळे वेगवेगळी गव्हर्नमेंट एजन्सीजशी कोऑर्डिनेट करून जे पण आपले प्रोजेक्ट्स आहे त्याचे जलद गतीने कसा कम्प्लिशन होणार याच्यावर माझा फोकस राहणार आहे। आणि जे पण मेन प्रोजेक्ट्स आपले स्मार्ट सिटीच्या अंतर्गत चालू आहे तर त्यांचा मी उद्या रिव्ह्यू घेणार, त्यांचे काय सद्यस्थिती आहे, अँड आय विल ट्राय टू एन्श्युअर की ते सगळे टाइमली कम्प्लिशन झाले पाहिजे, एफिशियंटली कम्प्लिशन झाले पाहिजे, हे माझे प्रायोरिटीज राहणार आहे। NBCN न्यूज के लिए अजित कुवर के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।